अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मेरे ख्वाब और इसकी इस्लामिक तबीर। आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ जिसमें आपको बताया जाएगा कि ख्वाब में फार निकालना कैसा है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ख्वाब में फार निकालने का मतलब, बकौल हजरत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर कोई देखे कि फाल ली है और फाल नेक मतलब अच्छी तबीर उतरी है तो दलील है कि दुश्मन पर फतह पाएगा, और अगर देखे कि साहिब ख्वाब के ख्वाब में वो फाल निकालने वाला काम करता है तो दलील है कि वो हकीकत में बहुत सारे अखरोट खाएगा। बकौल हजरत जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ख्वाब में फाल लेना तीन वजह पे मुनस्सर है। नंबर वन, दुश्मन पे फतह और कामरानी हासिल करना। नंबर टू, मुराद पूरी होना। नंबर थ्री, जरूरत या ख्वाहिश की तकमील करना। अच्छा ख्वाब आने की सूरत में हमें अपने पाक परवरदिगार का शुक्र अदा करना चाहिए, और बुरा ख्वाब आने की सूरत में हमें अपने पाक परवरदिगार से दुआ करनी चाहिए, सदका और खैरात करनी चाहिए, तौबा इस्तगफार करनी चाहिए। बेशक हमारा पाक परवरदिगार बड़ी कुदरत रखने वाला रहीम और करीम है। डियर व्यूवर्स, अगर आप इस ख्वाब के मुतल्लिक या किसी भी ख्वाब के मुतल्लिक कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट्स में मालूम कर सकते हैं। डियर व्यूवर्स, अपना ख्वाब डिटेल में बयान किया करें और ये भी मेंशन किया करें कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड, मेल हैं या फीमेल, क्योंकि ख्वाब की तबीर मेल और फीमेल, मैरिड और अनमैरिड के लिए डिफरेंट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।